हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक होगा इसके? तो अभी मैं फिलहाल आया हूँ अपनी KTM RC का एग्जॉस्ट चेंज कराने, तो देखते हैं कौन सा लगवाना है। वैसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट पड़ा हुआ है स्लिप ऑन, तो वही लगवाएंगे। तो देखते कैसी आवाज़ आएगी कैसी नहीं आएगी। तो ब्लॉग में एंड तक बनिए रहिएगा, कोशिश करूँगा आपको दिखाने की कैसे चेंज करा है कैसे नहीं है, देन उसके बाद देखते हैं कैसा साउंड आ रहा है। बाकी ट्राई करेंगे उसे एक डेढ़ महीने तक अपना, जैसे भी अच्छा लगेगा तब तक चलाएंगे। चलो अभी फिलहाल के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे अपना काम हो चुका है और यहाँ पे देखो कितना खाली खाली लग रहा है। बहुत ही मशक्कत के बाद, क्या बताओ, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने के बाद तब जाके वो निकला है, वो रखा हुआ है। और ये कम से कम अगर मैं इसका वेट अंदाज़ा लगाऊँ तो मे बी 15 to 16 kg है, मे 15 to 16 कन्फर्म। काफ़ी ज़्यादा वेटेड है, बहुत ज़्यादा भारी है, तो क्या ही बताएं। और भैया ने उससे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि भैया आप कर देना, तो भैया फ़िलहाल लगा रहे हैं और यहाँ पे हम इसको पहले कसने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें कुछ हमने फिट कराएगा भाई जिससे ये रुक जाए, तो देखते हैं। अभी बैंड पाइप तो लग गया, फिर उसके बाद बैंड पाइप का साउंड सुनेंगे, उसके बाद फिर एग्जॉस्ट लगा के साउंड सुनेंगे क्या साउंड आ रहा है कैसे आ रहा है। अभी इसे पहले कसा जाएगा, तो वहाँ से टाइट होएगा, नीचे से टाइट होएगा, तब देखते हैं फिर क्या हो रहा है सर। और लेकिन सही बताऊँगा, इसने अभी ने छुटवा दिया, बड़ी मुश्किल से निकला है, बहुत हिलाया, लाना पड़ा, नीचे करना पड़ा, जब जाके कहीं निकला। और अभी रिसेंटली सर्विस कराई है बाइक की मैंने, देन उसके बाद एग्जॉस्ट चेंज कराया है। 125 cc के अंदर चेंज करा रहे हैं। अब आप कुछ लोग कमेंट क्यों करोगे कि 125 cc के अंदर तुम चेंज करा रहे हो सिंगल सिलेंडर बाइक के अंदर, तो साउंड तो बेकार करेगी। तो गाइस मेरा आपसे यही कहना है कि साउंड बेशक बेकार करेगी लेकिन बट साउंड तो करेगी, थोड़ा तो साउंड करेगी, तो इसी वजह से हम चेंज करा रहे हैं। अदरवाइज तो वैसे कोई बात नहीं है, थोड़ा साउंड करेगी अच्छा करेगी, थोड़ा साउंड करेगी लेकिन अच्छा साउंड करेगी ना। तो चलो अभी कंटिन्यू करते हैं, जब बैंड पाइप कंप्लीट फिक्स हो जाएगा उसके बाद। इतने भैया कर रहे थे, जैसे कंप्लीट फिक्स हो जाएगा देन उसका साउंड करेंगे उसका। हो चुका है फिक्स, तो चलो चालू करके देखते हैं। काफ़ी लाउड आ रहा है, मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो चुका, मतलब भड़बड़बड़ बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, मतलब तो हमें थोड़ा सा इरिटेशन था तो फिर बंद कर दिया, क्योंकि मफलर लगने के बाद ही अब सही आवाज़ का पता लगेगी। तो कह रहा अभी देखते हैं, तो आपने सुन लिया होगा साउंड कैसा आ रहा है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं, वरना आपको बहुत असली से और एक एक करके डिटेलिंग में सारी चीज़ दिखाता। तो क्या लगता है भैया, जब पहले आई थी उससे तेज़ आवाज़ हो गई या उतनी ही है? उससे तो बहुत तेज हो गई, भैया भी कह रहे पहले तो बहुत तेज हो गई है, तो सही आ रही है एकदम आवाज़। अब मतलब जब ये लग जाएगा तो और अलग अलग ही फील आएगी, सही है। खैर इसका मतलब ये मान लो कि अब ये लगवा दिया ना बैंड पाइप तो छुट्टी ही है काफ़ी टाइम, और काफ़ी मुश्किल से ही निकला ये, और फुल टाइट हमने करा लिया ये ऊपर तक। तो वैसे अच्छी सही फिटिंग करी है भैया, फुल टाइट कर देना अपनी तरफ से बिल्कुल। हाँ, तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है भाई पे, तो पूरा पूरा भरोसा, और थोड़ी सी हाथ मेरे भी काले हो गए क्योंकि हम भी लगे ही पड़े थे सारे साथ में, तो भैया पे ट्रस्ट है इसलिए। नहीं तो काफ़ी लोग बाहर करोल बाग वगैरह में ज़्यादा बाहर जगह खुलवा लेते हैं, लेकिन भैया से थोड़ी अपनी वाली बातचीत है काफ़ी खास वाली, तो इसलिए मैंने सोचा भैया कि तुम्हारे पास लेकर आऊँगा मैं। तो भैया ने बोले ठीक है यार तुम ले आना, मैं कर दूँगा थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो काम तो था, तो फिर भी भैया ने हमारी गाड़ी का पकड़ा। देखते हैं मफलर लगने के बाद एक अलग ही मज़ा आएगा, तो अभी जो छोटा वाला बैंड पाइप है इसका दूसरे कनेक्ट करेंगे, तो ये यहाँ से पहले ये कनेक्ट करना पड़ेगा, उसका देन स्प्रिंग्स लगेंगी इसकी, तब जाके कहीं रुकेगा ये। पहले निकल सकता है ये, वैसे ये निकल सकता है, हाँ ये बाद में लगेगा उस पर, वो स्प्रिंग्स अटकेगा। तो मैं भैया को बता रहा हूँ कि कैसे लगेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, लगाना ही नहीं है, डीबी के लिए तो आवाज़ का कम करता है, बाकी एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर ही डलता है मुझे लग रहा है। तो मैं भी देखना पड़ेगा इसे कैसे रोकना है, ये ऐसे ऐसे ही रोका जाएगा ये नीचे की तरफ से, यहाँ से उसकी कुछ पोजीशन इस टाइप से सोच रहे हैं, जिस तरफ से जिस वजह से ये रुक पाएगा सही से। तो अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है, बाकी जब इंस्टॉलेशन और हो जाएगा तो बाकी दिखाऊंगा मैं आपको, अभी तो फिलहाल रुको। तो गाइस अब हम सुनेंगे बिना डीवी कलर के,
कैसे साउंड आता है स्टार्ट? अभी लाउड है भाई, बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा लाउड आ रहा है। लोग कहते हैं कि RC 125 में इतना साउंड नहीं है भाई, एग्जॉस्ट चेंज करा लो, पता लग जाएगी कितना है। तो गाइस अभी हम डीबी कलर के साथ लगा रहे, खैर तो यू आसानी से निकल जाता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो डीबी कलर इनसाइड कर दिया, तो पास से दिखा देंगे मंजीत भाई एक बार आपको अंदर की तरफ से, तो वहाँ से आपको दिख रहा होगा हल्का सा, तो अंदर की साइड है, कोई नहीं। मोटो ब्लॉग्स वाले बाइक इंजीनियर भी एक और ये यहाँ पर आए थे, क्या नाम है, अपने ये एग्जॉस्ट लगवाने, और ये खुद यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स जो जोड़ रहे हैं बाइक्स के, अभी हम एग्जॉस्ट और पैसे देंगे मैकेनिक को। अपने आपसे कला कर, एक घंटे से करे जा रहे हो में क्या है। फिलहाल में हमारा जो बेली पैन है वापस हमने लगा दिया है, और एग्जॉस्ट के बट इशू एक है थोड़ा सा कि जो बेली पैन है वो थोड़ा सा बेली गाड़ी के पास का जो एरिया होता है कट कर रहा है, खैर लेकिन अगर जैसे वापस कभी भी स्टॉक लगाने लग जाए तो दिखाई नहीं देगा जला हुआ, मे बी थोड़ा सा हीट हो गया अगर जल जाए, वैसे देखते हैं ऐसा लगे होएगा तो नहीं, बाकी एग्जॉस्ट का फिट हो गया, बस यहाँ से और फिक्स करना रह गया, और भैया वहाँ से कैसे रहा सारे स्क्रू लगने के बाद सारा काम होगा, सब कुछ डाली हो चुका है, सारे स्क्रू वगैरह सब कुछ टाइम से अगर पूछोगे आप देख सकते हैं, यहाँ से तो हमने निकलवाई नहीं, देखिए जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी निकालने की, बाकी तो सब साफ ही है। मेरा हाथ भी देखो कितने गंदे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा लगा जब मैंने भी सर्विस ही करी कुछ, और कोई कह नहीं सकते कि बाइक धुली हुई थी, अभी दिख रहा है यहाँ से नीचे खड़ी रहेगी तो दिक्कत नहीं होगी, बाकी तो बाद में साफ हो जाएगी, इतनी होगी वही बहुत है। अब हम घर जा रहे हैं, तो मंजीत भाई वीडियो बना रहे थे, अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से हम निकल रहे घर, फटाफट घर पहुँचेंगे, और घर पे पहुँच के थोड़ी सी बात करेंगे और वीडियो को वहाँ पे घर पे जाके एंड करेंगे, तो फिलहाल के लिए अभी तो चलते हैं, तो चलो वीडियो को अभी यहीं पे रोकते हैं, फिर घर पे जाके बात करेंगे। तो दोस्तों घर पर हम आ चुके हैं और एग्जॉस्ट फिट हो गया है, बहुत मस्त है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है, जैसे कि मतलब ये वैसे जो है फेक एक्सी प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरा और काफ़ी प्रीमियम लग रहा है लगा हुआ, और जैसे एसी प्रोजेक्ट का नेम है जो रियल एसी प्रोजेक्ट है काफ़ी लाउड होता है वो भी, ये भी उसी की तरह काफ़ी लाउड है, और बाकी मैं सोच रहा हूँ कि देखो ये वीडियो तो मैंने बना दी है, तो मैं सोच रहा हूँ उसके बाद ना रिएक्शन वीडियो बनाई जाए, तो अगर आप लोगों को पसंद आए रिएक्शन वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, और कुछ भी माइलेज के फिगर्स वगैरह कुछ भी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, यस या नो करके, और मेंशन करके कि कौन कौन सा आपका कंटेंट चाहिए आफ्टर ये एग्जॉस्ट चेंज होने के बाद, आफ्टर मार्केट लगवाने के बाद, तो मैं वो भी बना दूंगा, और मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊँ, और बाकी एक बार आपसे भी पूछ लेता हूँ आप किस तरीके का कंटेंट मांगते हो किस तरीके का नहीं। तो दोस्तों फिर मैं चलता हूँ, मिलते हैं आपसे एक बहुत अच्छी फ्रेश वीडियो के अंदर, अच्छी वीडियो के अंदर, और कंटेंट बाय कंटेंट हम जल्दी जल्दी लाते रहेंगे, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो लाल वाला बटन दबा, तो बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि देखो अगर आप उसको दबाओगे तभी मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आऊँगा, मतलब आपको मिलूंगा एज ए नोटिफाई होऊंगा कि मैंने अभी अच्छी कोई बढ़िया वीडियो डाली आपके लिए, और आपको कोई हेल्पफुल वीडियो मिल जाए या फिर आपको अच्छी चीज़ मिल जाए देखने लायक। तो YouTube पे बहुत ही कम वीडियोस हैं RC 125 में एग्जॉस्ट चेंज होने की, और भी मेरे वाला जो मॉडल है ये BS4 है, तो इसमें भी मैंने एग्जॉस्ट चेंज कराया, तो आप देख लेना, तो चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय, सी यू सून।